बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम जा रहे हैं, वीकेंड है आज भी, और हम जा रहे हैं डिनर पे बाहर। तो और हम जा रहे हैं गौसिया, ये नॉर्थ कराची का काफ़ी फेमस है गौसिया पुलाव। हम चल रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं फैमिली हॉल में और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा था यहाँ पे और हम वेटर का वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर के लिए। और बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और शुमाइला भी इंजॉय कर रही हैं। वो देख रही हैं कहाँ है मेन्यू कार्ड आएगा, तो मैं जल्दी से मेन्यू चेक करूँ। और ये बस आ गया मेन्यू। वैसे हम तो बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें क्या खाना है, क्योंकि हमारा मूड तो पुलाव खाने का है, तो हमने पुलाव सोचा हुआ था। यहाँ का बीफ पुलाव बहुत ही टेस्टी है, आप लोग भी ट्राई करें। जो कराची में रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि गौसिया पुलाव, नॉर्थ साइड पे रहते हैं तो उनको तो वैसे ही पता होगा कि यहाँ कितना क्राउड होता है। और वीकेंड का लास्ट है, रमज़ान से पहले तो वैसे ही बहुत रश है। सभी आ रहे हैं कि पहले हम बाहर का खाना खा लें, फिर तो रोज़े आ जाएंगे। और हम थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन नहीं, हमने ऑर्डर अपना सेलेक्ट कर लिया। वो छोटा सा था हमारा ऑर्डर, तो कर लिया है कि हमने क्या मंगवाना है। और ये आसी जो है ऑर्डर दे रहे हैं, तो मंगा लिए हैं हमारा क्या ऑर्डर आता है। और मज़ा आएगा आप लोगों को भी, वैसे ट्राई ज़रूर करिएगा आप लोग यहाँ का खाना। वैसे यहाँ की हर चीज़ बहुत टेस्टी है और तकरीबन हर वेराइटी यहाँ पर है, फास्ट फूड और पुलाव और तकरीबन बारबेक्यू सब कुछ है। जो बच्चे शौक से खाते हैं, हमारे बच्चे खाते हैं चिकन है शौक से, तो बस हमने वो ही किया था। ये मोबाइल में बिजी हो गई थी कि चलो अब मुझे मोबाइल में ही बिजी हो जाते हैं। वेट कर रहे थे ना, बहुत ज़्यादा वेट हुआ है। और इब्राहिम भी अपने गेम खेलने में लगा हुआ है टेबल के नीचे मोबाइल। वो मज़ा आता है ना इधर उधर लोगों को देखने में भी, थोड़ा सा बातचीतें चल रही हैं बस। और हम वेट कर रहे हैं, बहुत क्राउड है, बहुत क्राउड। तो बस अब ये गेम खेल रहा है और बाहर गुस्सा भी कर रहा है ना थोड़ा सा कि खाना कब आएगा। उसको भूख भी बहुत लग रही थी, कबीर को भी भूख लग रही थी, तो हम दोनों तो वैसे ही मस्ती कर रहे हैं इधर उधर लोगों को देख कर। सही। और फाइनली ऑर्डर इज हियर, आ चुका है हमारा ऑर्डर। और मज़ेदार सा बर्गर, जिंगर और चिकन मलाई बोटी, और ये सबने पहले फ्राइज़ ही खाई हैं और फ्राइज़ बहुत टेस्टी हैं, बहुत टेस्टी फ्राइज़। जिंगर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ेदार लग रहा है, और बस वेट नहीं हो रहा है। बहुत टेस्टी है, हमने पहले भी यहाँ की मलाई बोटी ट्राई की है तो वो भी बहुत टेस्टी है। पुलाव भी आ गया है, स्पेशल पुलाव, बीफ पुलाव। ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल भी बहुत मज़े की लग रही है। और बस मेरे को तो बिल्कुल वेट नहीं हो रहा, मैं तो स्टार्ट हूँ। बहुत मज़ेदार ये पुलाव था, यहाँ की स्पेशलिटी है बीफ पुलाव, मज़ेदार बीफ पुलाव। और आप यहाँ आएँ तो ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने यहाँ आए तो आपने क्या खाया। अच्छा जी, तो खाना हमने बहुत अच्छे से इंजॉय कर लिया है और तकरीबन सभी कुछ साफ हो चुका है, क्योंकि मैं बहुत लेट खा रही थी। ये वो सिलो सिलो खा रही हैं तो इनको तो लेट हो गया, लेकिन मैंने बड़ी फुर्ती दिखाई है। बहुत मज़ेदार गरम पुलाव है, तो उसके बाद जाहिर सी बात है चाय तो बनती थी, मैंने चाय मंगवाई है और बाकी के सना ने तो कोल्ड ड्रिंक पिए। हम तो ठंडा पीने वाले हैं, चाय हमें पसंद नहीं आती। यहाँ की चाय भी बहुत ही कोई टेस्टी है, दिख रहा है ना कितनी मज़ेदार चाय है। तो मैंने, कबीर ने और कबीर के चाचू ने तो मंगाई चाय, मज़ेदार थी। हम इंजॉय कर रहे हैं अपनी चाय को। और इब्राहिम और बड़ी मम्मा और बड़े बाबा, ये लोग तो हैं कोल्ड ड्रिंक वाले। तो बस हमारा खाना यहीं फिनिश होता है, इख्तिताम होता है हमारे खाने का। और मज़ेदार सा एक वीकेंड भी हमारा गुजर गया, बहुत अच्छा, रमज़ान से पहले का। मिलते हैं किसी और छोटे से अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।